आई थिंक पर्सनली मेरे लिए 23 मार्च बहुत बड़ा मायने रखता है. आज के इस युग में अगर आप देखें तो नौजवान हर तरीके के डिफरेंट सेलिब्रेशंस करते हैं. यू नो 31st हो, न्यू ईयर्स ईव बोलते हैं, वैलेंटाइंस डे है, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस. एट द सेम टाइम यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी हिस्ट्री में भी पीछे देखें कि इस अहम तारीख को क्या हुआ था. एंड दैट्स द रीज़न वाई 23 मार्च इतना स्पेशल है, क्योंकि आज के ही दिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को यू नो ब्रिटिशर्स ने फांसी दी थी. और सबसे बड़ी बात इसमें अगर आप देखें तो उस समय भगत सिंह का जो एज था, ही वॉज ओनली 23 ईयर्स ओल्ड. तो बहुत जज्बा था उनमें, बहुत कुछ करने की चाहत थी, एंड छोटे से एक लाइफ स्पैन में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की थी. काफ़ी कुछ हमने किताबों में पढ़ा, काफ़ी जो सीनियर लोग थे जिन्हें हिस्ट्री के बारे में हमसे ज़्यादा जानकारी थी, उनसे काफ़ी बार हमने बातचीत की. तो उसमें ये पता चला कि जालियांवाला बाग का जब इंसिडेंट हुआ था तो उससे भगत सिंह बहुत डिसअपॉइंटेड उन्होंने फील किया था, और उसके अगले दिन वो जालियांवाला बाग गए थे. वहाँ की मिट्टी से उन्होंने अपना तिलक लगाया और उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमारा देश है और हमें ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालना है. बट इन सारी चीज़ों में जो सबसे बड़ी बात और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उस समय उनका एज मात्र 12 साल थी. सिस्टर्स है खासकर आज के समय में, उनको मैं बोलता हूँ कि 23 मार्च को ज़रा याद करो कुर्बानी. Z24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.